असल गाइज आई होप यू ऑल विल बी फाइन वेलकम बैक टू चैनल क्विक लर्निंग विद नूर टूडे टॉपिक अंडर डिस्कशन इज डिस्कशनि इन लिटरेचर मुझे बहुत से व्यवर्स ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि आप पोस्ट पोस्ट्रक्चरिज्म और डी कंस्ट्रक्शन आरोप डिटेल वीडियो लेक्चर्स बनाएं मगर पोस्ट एक्चरलिज्म को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमें स्ट्रक्चरलिज्म के आइडियाज नोशन और कॉन्प्ट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है पोस्ट एक्चरिज्म या लिटरेर थी को अंडरस्टैंड करने के लिए स्ट्रक्चरिज्म एक बेसिक की है इसी वजह से मैंने डायरेक्ट पोस्ट एक्चलिज्मी कंस्ट्रक्शन पे मूव करने की बजाय स्ट्रक्चरलिज्म से स्टार्ट लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन स्ट्रक्चरलिज्म इन लिटरेचर स्ट्रक्चरलिज्म को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि स्ट्रक्चरलिज्म को लिंग्विस्टिक्स की फील्ड से लिया गया है यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म की ओरिजिनल फील्ड लिंग्विस्टिक्स है आई नो लिटरे थियरी बहुत ज्यादा क्रिटिकल सब्जेक्ट है और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है इसीलिए मेरी ये रिकमेंडेशन है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें इज अ मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग लैंग्वेज लिटरेचर एंड सोसाइटी फोकसेस टू डिस्कस हाउ दे रिलेट टू इच अदर टू फॉर्म द होल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरलिज्म में लैंग्वेज लिटरेचर या सोसाइटी को डिटेल से डिस्कस किया जाता है और ये भी डिस्कस किया जाता है कि लैंग्वेज लिटरेचर या सोसाइटी के ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं स्ट्रक्चरलिज्म सिर्फ लिंग्विस्टिक्स की फील्ड तक ही लिमिटेड नहीं है जबकि सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी अपनी स्टडी में स्ट्रक्चरलिज्म को यूज़ करते हैं जैसा कि सोशियोलॉजिस्ट के नाम से ही पता चलता है ये सोसाइटी और सोशल बिहेवियर को डिस्कस करते हैं जबकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट कल्चर और उसके ओरिजिन को डिटेल से डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसी डॉक्ट्राइन या सेट ऑफ बिलीव है जो इस बात पर यकीन रखती है कि, कि किसी भी चीज की फॉर्मेशन में स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बेसिक कॉम्पोनेट के तौर पर अपना रोल प्ले करता है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेलाइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे स्ट्रक्चरलिज्म का ओरिजन सबसे पहले फ्रांस में नाइनटीन फिफ्टी के टाइम पीरियड में हुआ था और स्ट्रक्चरलिज्म को फ्रांस के अंदर ओरिजिनेट करने वालों में क्लॉडी क्लॉडिलेविस्ट्रॉस और रोनाल्ड बार्ट का नाम शामिल है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्लोडी लेविस और रोनाल्ड बार्ट के स्ट्रक्चरलिज्म में कंट्रीब्यूशन को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे फ्रांस के के बाद ब्रिटेन में 1970 के टाइम पीरियड में स्ट्रक्चरलिज्म ओरिजिनेट हुई इसकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स में कलर स्ट्रक्चरिस्ट लॉर्ड्स वर्किंग विद स्ट्रक्चरलिज्म 1990 एंड स्कॉल स्ट्रक्चरलिज्म इन लिटरेचर शामिल हैं स्ट्रक्चरलिज्म को नाइनटीन में होने वाली कैम्ब्रिज रेवोल्यूशन का रिस्पॉन्स कंसिडर किया जाता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स ने नाइनटीन में लिटरे थे पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था और इस ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स के लीडर आई ए रिचर्ड और एफ आर लेविस थे आई ए रिचर्ड ने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रीडिंग को रिजेक्ट किया था जिसमें रीडर्स किसी भी ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किसी भी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते थे इसी को न्यू क्रिटिसिज्म का नाम भी दिया जाता है जिसमें ऑथर की डेथ हो जाती है और टेक्स्ट अपना मीनिंग खुद क्रिएट करता है आई ए रिचर्ड रीडर्स को क्लोज रीडिंग मेथड डिवाइस करता है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस किया जाता है मगर स्ट्रक्चरलिज्म न्यू क्रिटिसिज्म के इस आइडिया को रिजेक्ट करता है स्ट्रक्चरलिस्ट इस बात पर यकीन रखते हैं कि हम किसी भी टेक्स्ट को आइसोलेशन में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते यानी कि किसी भी टेक्स्ट को उसके से सेपरेट कर दिया जाए तो वो अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाता दुनिया में जितने भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो ह्यूमन माइंड के थ्रू ही क्रिएट किए जाते हैं।, says, है कहते हैं कि दुनिया में जितने भी स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी क्रिएट होते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड ह्यूमन बींग ने जितने भी फैक्ट्स ओरिजिनेट किए उनको अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है स्ट्रक्चर्स की बेस्ट एग्जांपल हमारी खुद की यूनिवर्स है जिसको ऐसे क्रिएट किया गया है जिसमें हर एक चीज अपनी जगह पर फिक्स है यूनिवर्स को आप एक बिग या कंप्लीट स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं और यूनिवर्स में जो बाकी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉल स्ट्रक्चर का रोल प्ले करते हैं स्ट्रक्चर्स की एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी से भी ली जा सकती है क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी डिफरेंट स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन सिस्टम एक बिग स्ट्रक्चर का रोल प्ले करता है और ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट ऑर्गन स्मॉल स्ट्रक्चर का रोल प्ले करते हैं अगर ह्यूमन बॉडी का कोई भी ऑर्गन यानी कि कोई भी स्मॉल स्ट्रक्चर डिस्प्लेस हो जाता है तो उसे लार्ज स्ट्रक्चर पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है यानी कि किडनी लिवर या स्टमक को अपनी जगह से हटा दिया जाए तो सारा ऑर्गन सिस्टम ही डिस्टर्ब होकर रह जाता है आई so होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गई होगी डाइसन आल्सो विदाउट दी आवर वर्ल्ड वुड बी अ यानी कि अगर दुनिया में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट ना हो तो सारी कायनात का निज़ाम धरम भरम हो जाएगा नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चरलिज्म मीनिंग्स किसी भी थिंग या वर्ड के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमन किसी वर्ड या थिंग को मीनिंग देने में अपना रोल प्ले करते हैं यानी कि ह्यूमन माइंड मीनिंग मेकिंग प्रोसेस में एक वाइटल रोल प्ले करता है हर वर्ड के साथ कोई ना कोई मीनिंग अटैच होता है और हम उस वर्ड और मीनिंग के दरम्यान एसोसिएशन देकर किसी भी वर्ड को कोई भी मीनिंग दे देते हैं अगर यहाँ पर एक बुक पढ़ी है तो मेरे माइंड में क्या पिक्चर बनेगी कि ये बुक है इसका मतलब क्या है किताब और इसको मैंने किस काम के लिए यूज करना है इसको मैंने पढ़ने के लिए यूज करना है इससे मुझे नॉलेज मिलेगी अच्छा अगर एक्चुअल में भी यहाँ पर कोई बुक ना पढ़ी हो तो बुक का नाम सुनते ही मेरे माइंड में

द फर्स्ट वन इज होलनेस यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर हो तो उसके अंदर कंप्लीटनेस होनी चाहिए होलनेस की बेस्ट एग्जाम्पल वाटर की फॉर्मेशन है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर यहाँ पर एज के ऊपर नहीं नीचे टू आना है क्योंकि ये एडिटिंग में ऐसे नहीं हो रहा था मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की मगर आपने कहीं पर भी इसे लिखना हुआ तो एज के नीचे ही टू आएगा यहाँ पर हाइड्रोजन भी एक स्मॉल स्ट्रक्चर है और ऑक्सीजन भी एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जिसको हम एलिमेंट भी कहते हैं तो जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है तो वाटर भी एक कंपाउंड है वाटर इस एग्जाम्पल में एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर का रोल प्ले कर रहा है जो दोनों एलिमेंट्स या स्मॉलर स्ट्रक्चर्स को बैलेंस करता है तो हम ज्यादा ही केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हो रहे हैं वापस इंग्लिश लिटरेचर की तरफ आ जाए लिटरेचर लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक्स में भी यही बेसिक फार्मूला अप्लाई किया जाता है द नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी वर्ड का मीनिंग टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है मगर किसी भी वर्ड या किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चरल सिस्टम हमेशा सेम ही रहता है आपके लिए स्ट्रक्चरल सिस्टम एक न्यू टर्म है जिसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे फॉर एग्जाम्पल वेन एवर आई से नूर रन वेरी फास्ट सो इस एग्जाम्पल में नूर रन वेरी फास्ट वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम सेंटेंस भी कहते हैं नेक्स्ट हम इसमें स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज किया गया है फर्स्ट वर्ड है नूर जो कि एक नाउन है सेकंड वर्ड है रंस जो कि एक वर्ब है द थर्ड वर्ड इज वेरी जो कि एक एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब के मीनिंग में एडिशन कर रहा है एंड द लास्ट वर्ड इज फास्ट जो कि एक एडजेक्टिव है So, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और अगर सेंटेंस के सिंपल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाए तो इसमें एक नाउन वर्ब और कम्प्लीमेंट प्रेजेंट है द नेक्स्ट वन इज रूल्स ऑफ तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट प्रेजेंट है नूर यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है एंड रन वेरी फास्ट प्रेडिकेट है सब्जेक्ट को निकालकर सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट को प्रेडिकेट कहा जाता है द लास्ट थिंग इज द कम्पोनेट्स ऑफ स्ट्रक्चर अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जिसमें के सारे स्मॉलर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं यानी कि लैंग्वेज किसी भी सोसाइटी की फॉर्मेशन में एक फंडामेंटल रोल प्ले करती है लैंग्वेज इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन सो ह्यूमन बींग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज पर डिपेंडेंट होते हैं एंड फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चरलिज्म इन लिटरेचर लिटरेचर को एक वर्बल आर्ट कहा जाता है जिसे लैंग्वेज के थ्रू ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है और लैंग्वेज का स्ट्रक्चरलिज्म के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है जिसको अभी हमने डिटेल से डिस्कस किया है स्ट्रक्चरलिज्म भी चीजों से सेंस क्रिएट करता है और लिटरेचर में से क्योस को खत्म करने की कोशिश करता है लिटरेचर और स्ट्रक्चरलिज्म में यह बात कॉमन है कि दोनों ही प्रोज नैरेटिव पर फोकस करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म का ओवरऑल फोकस प्रोज नैरेटिव पर होता है मगर लिटरेचर के जॉनर लाइक ड्रामा एंड पोइट्री में ज्यादा प्रोज नैरेटिव पर फोकस किया जाता है लिटरेचर में जो बेसिक एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाता है उसमें प्लॉट सेटिंग और करेक्टर शामिल हैं स्ट्रक्चरलिस्ट किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को जो कि लिटरेचर से लिया जाता है स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर या रिलेट करते हैं जो कि स्ट्रक्चरलिज्म का एक पार्ट है जो टेक्स्ट में इंटर टेक्चुअल कन्वेंशन पाई जाती हैं उनको भी इसी के थ्रू डिस्कस किया जाता है अगर हम लिटरेचर के योनर पोइट्री की एग्जाम्पल लें तो पोइट्री मीटर और राइम से मिलकर बनती है हमने लिटरेरी थियरी के टॉपिक फेमिनिज्म को भी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है अगर हम लिटरेचर को भी स्ट्रक्चरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लिटरेचर एक बड़ा स्ट्रक्चर है और लिटरेचर के डिफरेंट जॉनर्स लाइक नॉवल पोइट्री और प्ले स्मॉल स्ट्रक्चर्स का रोल प्ले करते हैं और अगर हम लिटरेचर के जॉनर पोइट्री की बात करें तो पोइट्री मीटर से मिलकर बनती है मीटर के अंदर टू फीट्स होते हैं और एक फीट के अंदर टू सिलेबल्स प्रेजेंट होते हैं तो डेट ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस और एनी अदर टॉपिक देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें मैं जानती हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक ऑफ लिटरेरी थियोरी गर्मियों में अपनी हेल्थ और डाइट का सबसे ज्यादा ख्याल रखें अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरी फेसबुक आई का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है जल्दी से जाकर उस पेज को भी फॉलो कर दें तो so, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा इन शाला वी विल मेट इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन अल्लाह हाफिज़